दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनोलिपी शॉर्ट हैंड चैनल में। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। स्टार्ट। पिछले दिनों बिहार के मुंगेर जिले में प्रतिमा विसर्जन के पूर्व हिंसा का जो तांडव हुआ वह अप्रत्याशित था। स्टॉप। लोगों पर पुलिस का बल प्रयोग पूर्णतया अवांछित था। स्टॉप। बताया जाता है कि पुलिस कर्मियों ने आयोजकों से आग्रह किया था कि वे डीजे, लाउडस्पीकर आदि न बजाएं, कोमा, क्योंकि निर्वाचन के दौरान इन सब चीजों पर प्रतिबंध रहता है। स्टॉप। आयोजकों ने भी पुलिस प्रशासन की बात मानते हुए उनका इस्तेमाल नहीं किया। स्टॉप। उन्होंने परंपरा के विपरीत सादगी के साथ मूर्ति विसर्जन का निर्णय लिया। शासन प्रशासन यह चाहता था कि निर्वाचन प्रक्रिया के चलते प्रतिमा विसर्जन का काम जल्द से जल्द हो। स्टॉप। लिहाजा शहर के दो दीनदयाल चौक के पास आयोजकों से दुर्गा प्रतिमा आगे ले जाने के लिए अनुरोध किया गया। स्टॉप। यह रात लगभग 11 बजे की बात है। स्टॉप। इस पर आयोजकों ने कहा कि पहले बड़ी दुर्गा माता की प्रतिमा का विसर्जन होगा, कोमा, उसके बाद ही वे आगे बढ़ेंगे। स्टॉप। तब तक वहां किसी प्रकार का तनाव नहीं था, कोमा, लेकिन किसी बात को लेकर दोनों में वाद विवाद हुआ, कोमा। फिर पुलिस द्वारा पहले लाठी चार्ज हुआ और उसके बाद गोली चली। स्टॉप। पुलिस का कहना है कि गोली उपद्रवियों की ओर से चलाई गई, परंतु सीआईएसएफ के अनुसार गोली स्थानीय पुलिस की ओर से चली। स्टॉप। एक कांस्टेबल की तरफ से 13 राउंड फायरिंग की गई, स्टॉप, कोमा, जिसमें एक युवक की जान चली गई। पैरा। यह संतोष का विषय है कि तत्कालीन पुलिस अधीक्षक लिपि सिंह और जिलाधिकारी का स्थानांतरण हो गया और नए अधिकारियों ने अपना काम संभाल लिया, कोमा। लेकिन यदि इस दुखद घटना की समीक्षा की जाए तो कह सकते हैं कि इससे बचा जा सकता था। स्टॉप। वास्तव में प्रत्येक थाने में एक त्योहार रजिस्टर होता है। स्टॉप। उसमें हर त्योहार का लेखा जोखा होता है कि किस मार्ग से अनुमानित लोग जाएंगे। स्टॉप। मार्ग में कोई अवरोध होगा या नहीं, और अगर होगा तो उसका निस्तारण कैसे किया जाएगा। स्टॉप। जुलूस के मध्य और आगे पीछे किस प्रकार पुलिस बल की नियुक्ति की जाएगी। स्टॉप। वायरलेस स्टेशन कहाँ कहाँ रहेंगे आदि का खाका पहले से ही तैयार कर लिया जाता है। स्टॉप। इस प्रकार एक अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था के अनुरूप ही देश भर में इस प्रकार के जुलूस निकाले जाते हैं, कोमा, परंतु मुंगेर में जिस प्रकार की त्रुटिपूर्ण पुलिस व्यवस्था दृष्टिगोचर हुई, कोमा, उससे स्पष्ट है कि कदाचित त्योहार रजिस्टर और पुलिस के पूर्वाभ्यास में कहीं कोई त्रुटि अवश्य थी, कोमा, जिसके कारण इस प्रकार की दुखद घटना घटित हुई। स्टॉप। दुर्भाग्य से अब पूर्वाभ्यास की कमी हर जगह दिखने लगी है और इसके दुष्परिणाम भी रह रहकर सामने आने लगे हैं। स्टॉप। पैरा। सवाल है कि पुलिस को गोली चलाने की इतनी जल्दबाजी क्यों थी? गोली चलाने के पहले कई बार चेतावनी दी जाती है। स्टॉप। चेतावनी के बाद आंसू गैस का प्रयोग होता है। स्टॉप। अगर भीड़ तब भी तितर बितर नहीं होती तो पुनः चेतावनी दी जाती है और वाटर कैनन आदि का इस्तेमाल किया जाता है। स्टॉप। अगर
इससे भी भीड़ नहीं हटती तो पुनः चेतावनी दी जाती है और लाठी चार्ज किया जाता है। स्टॉप। लाठी चार्ज में भी इस बात का ध्यान रखा जाता है कि कमर के नीचे प्रहार किया जाए, जिससे प्रदर्शनकारियों के सिर, सीने आदि पर चोट न लगे। स्टॉप। यदि तब भी भीड़ नियंत्रित नहीं होती है तो पुनः 3 बार चेतावनी देकर रबर बुलेट से फायरिंग की जाती है। स्टॉप। इसके उपरांत पुनः 3 बार चेतावनी देकर फायरिंग की जाती है। स्टॉप। इसमें यह स्पष्ट किया जाता है कि फायरिंग कौन अधिकारी या कर्मचारी करेगा, कितने राउंड करेगा और कमरे के नीचे फायरिंग की जाएगी। स्टॉप। यहाँ तो ऐसा प्रतीत होता है कि लाठी चार्ज और गोली चलाने का निर्देश एक साथ दिया गया। स्टॉप। मुंगेर की घटना की जांच के लिए आयुक्त की अध्यक्षता में एक जांच समिति का गठन किया गया है। स्टॉप। इस जांच का आदेश निर्वाचन आयोग द्वारा किया गया है, लेकिन खेद का विषय है कि अधिकारियों के स्थानांतरण और जांच के आदेश विलंब से हुए, कोमा, जो कि तत्काल हो जाने चाहिए थे। स्टॉप। इस घटना पर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जोर शोर से चल पड़ा। स्टॉप। विरोधी दलों ने यह कहना शुरू किया कि सत्तारूढ़ दल के शीर्ष स्तर से गोली चलाने के आदेश दिए गए। पैरा। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने 2 नवंबर को गिलगिट में ऐलान किया कि उनकी सरकार गिलगिट बाल्टिस्तान को पाकिस्तान के नए प्रांत का दर्जा देने जा रही है। स्टॉप। इस ऐलान ने दक्षिण एशिया में पहले से कायम तनाव में एक और खतरनाक आयाम जोड़ दिया है। स्टॉप। कुछ लोग इसे गत वर्ष भारत द्वारा जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन करने के खिलाफ केवल स्वाभाविक पाकिस्तानी प्रतिक्रिया मान रहे हैं। ऐसा आकलन न केवल सतही और अज्ञानता भरा, बल्कि चीन के उस षड्यंत्र को अनदेखा करने वाला भी होगा, जिसका लक्ष्य एक कमजोर और हताश पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक रखकर लद्दाख पर भारत की पकड़ को कमजोर करना और अरब सागर में पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से लेकर पूरे बलूचिस्तान और गिलगिट बाल्टिस्तान होते हुए शिनजियांग तक के इलाके पर स्थायी नियंत्रण कर लेना है। पैरा। भारत सरकार के अपेक्षानुरूप इमरान के बयान की निंदा करते हुए जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगिट बल्टिस्तान को 1947 में राज्य के संवैधानिक विलय के आधार पर कानूनी और हर तरह से भारत का अटूट हिस्सा बताया और पाक से इन्हें तुरंत खाली करने की मांग की। स्टॉप। चीनी नेता पाकिस्तान की सरकारों को सब तब से गिलगिट बाल्टिस्तान को पाकिस्तानी राज्य बनाने की सलाह देते रहे हैं, कोमा, जब से चीन ने पाक रास्ते अरब सागर तक अपनी पहुंच बनाने के लिए अपने कब्जे वाले शिनजियांग प्रांत से लेकर पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ग्वादर तक सड़क बनाने और वहां अपना नौसैनिक अड्डा बनाने का सी पैक प्रोजेक्ट शुरू किया है। स्टॉप। शुरू में $25 अरब की लागत वाले इस प्रोजेक्ट को चीन ने बढ़ाते बढ़ाते $60 अरब का कर लिया है। स्टॉप। इसका एक बड़ा हिस्सा भारत के साथ विवाद वाले गिलगिट बाल्टिस्तान और पाक के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK के इलाकों से गुजरता है। स्टॉप। चीन को वहां भारत
की ओर से कानूनी अड़चनों और सैनिक कार्रवाई की आशंका बनी रहती है। चीन चाहता है कि अगर पाकिस्तान इन इलाकों को कानूनी तौर पर अपने प्रांत घोषित कर देता है तो वह सीपैक और दूसरी कई रियायतों के लिए पाकिस्तान सरकार के साथ कानूनी संधि कर सकेगा। तब भारतीय विरोध केवल सैनिक चरित्र वाला रह जाएगा। भारत की सैनिक कार्रवाई की स्थिति में चीन को पाकिस्तान की मदद से भारत के खिलाफ दोहरे मोर्चे खोलने का बहाना मिल जाएगा। स्टॉप। सीपैक प्रोजेक्ट की पूंजी और उस पर ब्याज के दबाव से पाक को राहत देने के लिए चीन पूरे गिलगित बाल्टिस्तान को 99 साल के लिए लीज पर लेने की फिराक में है। पैरा। गिलगित बाल्टिस्तान को लेकर चीन की और भी चिंताएं हैं। स्टॉप। लद्दाख में जिस गलवन घाटी पर अचानक हमला करके चीनी सेना ने कब्जे का प्रयास किया था, कोमा, वह चीन के कराकोरम हाईवे की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्टॉप। यह सड़क भारतीय क्षेत्र अक्साई चिन और पाकिस्तान से गिफ्ट के तौर पर मिले सक्ष गांव के माध्यम से गिलगित बाल्टिस्तान के रास्ते नए सीपैक मार्ग को जोड़ती है। स्टॉप। इस हमले का एक और चीनी लक्ष्य भारत के सियाचिन ग्लेशियर पर भी कब्जा जमाना था, जिससे अक्साई चिन और गिलगित बाल्टिस्तान के बीच भारतीय सेना की उपस्थिति खत्म हो जाए और चीनी सेना को गिलगित बाल्टिस्तान तक भारत के चुनौती से लगभग पूरी मुक्ति मिल जाए। स्टॉप। इसके अलावा चीन की आंतरिक सुरक्षा और शिनजियांग पर अपना औपनिवेशिक कब्जा बनाए रखने के लिए गिलगित बाल्टिस्तान का चीन के लिए बहुत महत्व है। स्टॉप। 1946 से 1949 के बीच चीनी कब्जे से पहले शिनजियांग का मूल नाम ईस्ट तुर्किस्तान है। उइगर मुसलमानों की आबादी वाला यह देश शुरू से ही चीन के लिए बड़ा सिरदर्द रहा है। स्टॉप। चीनी कब्जे के बाद अपने देश की आजादी के लिए लड़ने वाले हजारों उइगर अपनी सीमा से लगते गिलगित बाल्टिस्तान और पाक के दूसरे इलाकों में जा बसे। स्टॉप। वहीं से वे चीन के खिलाफ अपनी मुहिम चलाते आए हैं। स्टॉप। इन उइगरों के खात्मे के लिए चीन कई दशकों से पाकिस्तान सरकार के अलावा वहां के कई जिहादी संगठनों और नेताओं की मदद लेता रहा है। अजहर मसूद जैसे आतंकियों और अन्य कट्टर मजहबी संगठनों को संयुक्त राष्ट्र की कार्रवाई से बचाने के लिए चीन सरकार जिस उत्साह से आगे बढ़कर काम करती आई है, उसके पीछे शिनजियांग में उनकी मदद ही असली कारण है। स्टॉप।